सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के रोमांटिक थ्रिलर शो बेहद में आखिरकार वो मोड़ आ ही गया है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माया के डेविल कैरेक्टर का हो गया है शो में अंत। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, जेनिफर विंगेट के कैरेक्टर माया को भले ही दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं लेकिन शो में इतनी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स के बाद दर्शक भी काफी बोर हो चुके थे। लेकिन अब शो के मेकर्स ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि माया के कैरेक्टर को एंड किया जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जाह्नवी हर वो मुमकिन कोशिश करती थी कि माया को किसी भी तरह से अर्जुन और सांझ से दूर रखा जाए, लेकिन हर बार जाह्नवी फेल हो जाती थी। माया को जब इस बात का पता चलता है कि उनकी माँ यानी जाह्नवी ने जेलर को रिश्वत दी थी ताकि वो माया का कत्ल कर दे, तो इस बात से माया काफी गुस्सा होती है और वो अपनी ही माँ से बदला लेने की कोशिश करती है। और माया अपनी ही माँ से बदला लेने के चक्कर में वो अपनी माँ जाह्नवी का मर्डर तक कर देती है। अब माया इसके बाद अगला टारगेट बनाती है अर्जुन और सांझ को। दरअसल माया के हाथों जाह्नवी की मौत इस वजह से होती है क्योंकि माया मारना चाहती है सांझ को, लेकिन सांझ को बचाने के लिए जाह्नवी अपनी जान की कुर्बानी दे देती है। तब जब जाह्नवी की मौत हो जाती है, इस बात से माया को काफी अफसोस होता है। अपनी माँ की मौत पर माया फूट फूट कर रोने लगती है। माया को ये बात काफी हट कर जाती है कि उनके हाथों अपनी ही माँ का कत्ल हो गया है, जिसके बाद शो में व्यूअर्स देखेंगे कि माया अपने इस गिल्ट में खुद ब खुद मर जाएंगी। लेकिन क्या वाकई इस तरह से माया का अंत हो जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या माया वापस आएगी? तो शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम हिंदी।